राधिका आप्टे के घर गूंजने वाली है किलकारी। एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम। राधिका आप्टे ने गुड न्यूज सुनाकर अपने फैंस को हैरान कर दिया है। राधिका के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। इसका सबूत एक्ट्रेस का बेबी बम जो हाल ही में उन्होंने एक इवेंट में फ्लॉन्ट किया है। सोशल मीडिया पर अब राधिका की प्रेगनेंसी की ही खबरें छाई हुई हैं, क्योंकि अभी तक एक्ट्रेस ने अपनी फैंस को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि वो माँ बनने वाली हैं। अब अचानक से बेबी बम दिखा, उन्होंने अपने चाहने वाले के होश उड़ा दिए हैं। राधिका के फैंस एक्ट्रेस की खुशी में ही खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। राधिका ने दिया फैंस को सरप्राइज। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे काफ़ी दिनों से लाइमलाइट से दूर थी, लेकिन अब अचानक से वो लोगों के सामने आई हैं, वो भी बेबी बम के साथ, जिसे देख फैंस को तो जैसे झटका ही लग गया है। एक्टर सिस्टर मिडनाइट के यूके प्रीमियम में दिखाई दी है। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे ये तो पता चल ही गया है कि वे अब जल्द ही ये कपल भी 2 से 3 होने जा रहे हैं। राधिका आप्टे इवेंट में बेबी बम के साथ दिखाई दी हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक बॉडीकॉम ड्रेस पहनी है, जिसमें वो बहुत ही हसीन लग रही है। एक्ट्रेस ने अपने लुक को न्यूड मेकअप और रेड लिपस्टिक के साथ कंप्लीट किया है। वहीं बालों को लो बन बनाया हुआ है। इस लुक में उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर सामने आई है। साल 2012 में की थी शादी राधिका आप्टे ने। जिस तरह अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखा, उसी तरह से अपनी शादी को भी सीक्रेट रखी। उन्होंने साल 2012 में ब्रिटिश लाइनिन वादक और संगीतकार बेनेडिक्ट टेलर से की थी। दोनों ने इंग्लैंड में बहुत ही सीक्रेट शादी की थी। दोनों की शादी को 12 साल हो गए हैं और अब 12 साल बाद उनके घर किलकारी गूंजने वाली है। बात राधिका आप्टे की करें तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संग मांझी में नजर आई थी। वही हाल ही में श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस में भी नजर आई थी। हालांकि अभी उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है और वो जल्द ही OTT पर थ्रिलर सीरीज अक्का में नजर आने वाली है।